फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने आपके लिए प्रिटी सा बेबी कार्डिगन, तो ये मैंने 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए बनाया हुआ है। और इतना इजी है ये कि आप अगर आप नया नया क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं तो भी आप इसे बना लेंगे। अगर आपको सिर्फ डबल क्रोशिया आता है तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा है, देखिए। और अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं गांठ नहीं है तो आप इसे रिवर्सिबल भी पहन सकते हैं, मतलब राइट और रॉन्ग दोनों साइड से ये यूज में आता है। और लग रहा है ना आपको प्रिटी, तो आज हम यही बनाना सीखेंगे। और हाफ बाजू है ये, स्लीवलेस है और बहुत जल्दी बन जाता है ये। देखने में देखिए एकदम सिंपल सोबर लुक है, देखिए पीछे से इसका लुक इस तरह से आता है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। मेरे चैनल पर मैंने कई बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन डाल रखी हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगी। फ्रॉक है, सॉक्स हैं, बेबी पैंट्स हैं, कैप्स हैं, पोचो है, श्रग है, और शॉल की तो कई डिजाइन ऐसी हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो एक बार प्लीज मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट इट दिस ब्यूटीफुल कार्डिगन। और इसे बनाने के लिए आप अपने हिसाब से चैन ले सकते हैं, किसी भी तरह के मल्टीपल की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 105 चैन लिया है जो कि हम 1 साल से 1.5 साल की बेबी के लिए बनाएंगे। 1 से 1.5 साल तक की बेबी के लिए हमने 105 चैन ली है और उसके ऊपर मैंने ये डबल क्रोशे की रो बनाई है। देखिए इस तरह से 105 चैन एंड 105 डबल क्रोशिया। देखिए अब डिजाइन सिर्फ 2 लाइन की डिजाइन है इसमें, सिंपल, बहुत सिंपल। आप देख के कहेंगे कि इतना आसान भी कोई कार्डिगन हो सकता है और स्टाइलिश भी। देखिए यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक और ये 2, ठीक है। ये जो है बिना जोड़ के बनेगा, इसमें हमें कहीं सिलाई नहीं करनी है। देखिए 2 हुआ, फिर हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। देखिए अब 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 2 छोड़ेंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम सब में डबल क्रोशिया अब बना लेंगे, देखिए इस तरह से। ये पूरी रो हम इसी तरह से बना लेंगे, देखिए इस तरह से। तो बना लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे फिर हम रुक गए हैं। फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशिये आपको छोड़ देने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 हमने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे भी हम जैसे ये हमने ये बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे। देखिए 2 चैन बनाएंगे, 1, 2 स्किप करेंगे, तीसरे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 1, 2 स्किप करेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे एक और डबल क्रोशिया। और ये शुरू में हमने चैन बनाई थी तो इस चैन में हम यहाँ पे इस तरह से लास्ट वाली चैन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट रो हो गई। अब सेकेंड रो आपको कौन सी रिपीट करनी है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 चैन बनाने के बाद ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये डबल क्रोशिया पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम 1 चैन लेंगे। अब देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर हमें इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसे हम इस तरह से बंद करेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक और पफ बनाएंगे यहाँ पे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद फिर हमने इसे बंद कर देना है, फिर 1 चैन लेंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया पे, सारे डबल क्रोशिया पे आपको ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है, ये ऐसा सारे डबल क्रोशिया पे हम अब डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिंपल डबल क्रोशिया वाली ही जैकेट है ये, बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसे हम बना लेते हैं, फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दी, देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमको फिर वही रिपीट करना है। देखिए यहाँ पे 1 चैन बनाएंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इस पर हम इस तरह से पफ बना लेंगे, देखिए इस तरह से 2, 3, 4, 5, इसे हमने बंद किया, फिर 1, 2, 2 चैन, फिर यहाँ पे 1, 2, 3,
चार पाँच इस तरह से, फिर एक चैन और फिर यहाँ जो डबल क्रोशिया है इन पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे ये जो चेन हमने बनाई है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर यही आपको दो लाइन फिर से रिपीट करनी है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन, फिर देखिए डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पे दो चैन बनाएंगे। अब देखिए ये जो पफ स्टिच है इसके बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, इस पर सब डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसको यहीं से इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, ये पूरी रो हम इसी तरह से बना के डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच में भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, मगर ये सिर्फ बॉर्डर के किनारे रहेगा, बहुत प्यारा लुक आएगा। तो इसे बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमने रो फिर से कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे आ गए हम यहाँ पे दूसरे एंड पे, तो यहाँ पे भी दो चैन बनाएंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन और फिर देखिए डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। अब यही दो लाइन आपको आर्म होल तक बनाते हुए जाना है, जहाँ हम आर्म होल घटाएंगे वहाँ तक हम इसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए अब यहाँ से टर्न हो गए, एक दो तीन, तीन चैन, फिर देखिए डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर देखिए ये डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे जैसे कि हमने पफ स्टिच बनाया था। अब देखिए पफ स्टिच फिर हम बनाएंगे इस तरह से, ये डबल क्रोशिया के बीच से ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, फिर इसे इस तरह से बंद कर देंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से एक दो तीन चार और ये पाँच हो गया। फिर इसे हम इस तरह से बंद करेंगे, फिर एक चैन, फिर यहाँ से देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो अब देखिए अब सिर्फ यही दो लाइन, एक ही पहली वाली लाइन और एक दूसरी लाइन, यही दो लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है जब तक कि आपका आर्म होल नहीं आ जाता। तो मैं वहाँ तक बना के फिर आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे टोटल मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह डिज़ाइन बना ली है और इसकी लंबाई लगभग 9 इंच हो गई है, जो कि एक साल की बेबी के लिए परफेक्ट है। आप बड़ा चाहें तो और भी बड़ा बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए जो टोटल है यहाँ पे हमने 105 चैन ली थी, तो मैंने यहाँ पीछे 50 चैन लिए, 50 मैंने 50 डबल क्रोशिया पीछे रखा है, 27 इस साइड और 27 इस साइड, सॉरी 51 पीछे रखा है, 27 डबल क्रोशिया इस तरफ 27 तरफ, 27 51 27। तो इस तरह से ये मैंने इस पर मार्कर कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे। तो देखिए यहां से पहले हम इतना पोर्शन बुन लेंगे, देखिए अभी चूंकि हाफ जैकेट है तो हमें इस आर्म होल पे भी डिजाइन बनानी है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे पहले एक दो, दो चैन लेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक दो, दो डबल क्रोशिया लिया, फिर दो चैन बनाएंगे और ये हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया दो चैन। अब यहाँ से आपको देखिए ये जो हमारी डिज़ाइन है ये 8 डबल क्रोशिया में कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक 8 डबल क्रोशिया, तो यहाँ से यहाँ 8 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इतना हम छोड़ देंगे। तो यहाँ तक पहले इसे बनाते हैं, ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब फिर यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर देखिए दो स्किप करेंगे। अब यहाँ पे जो है इस पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक और ये दो। अब आपको यहीं से टर्न हो जाना है, यहाँ पे हमारे पास दो हैं, अब यहाँ से फिर हम टर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक दो, दो दो चैन बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर देखिए ये जो है इस डबल क्रोशिया पे हम पफ बनाएंगे, जैसे अभी हमने डिजाइन बनाई थी, दो तीन चार पाँच, पांच बार हमने इसे लिया, इसे बंद किया, फिर दो चैन, फिर वापस से इसमें एक दो तीन चार
तीन, चार और ये पाँच। इसे हमने बंद किया, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना है, तो हम यहाँ क्लस्टर बनाएंगे। देखिए ये दो, देखिए इस तरह से दो डबल क्रोशिया किस तरह से बनाया, फिर इसे हमने एक साथ बंद किया। ये देखिए बंद हो गया। फिर इसके बाद बाकी सब में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे इस पर, फिर हम यहाँ पर भी डिक्रीज नहीं करना है, यहाँ पर जिस तरह से हमारी डिज़ाइन है उस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए हमने राइट साइड की रो कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हमें कोई डिक्रीज नहीं करना है, रॉन्ग साइड से जैसे हमारी डिज़ाइन बनी थी वैसे ही बनाएंगे। इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, बाकी डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम दूसरी साइड पर आ गए, तो यहाँ पर वापस से हम एक डिक्रीज करेंगे। देखिए एक दो, दो चैन बनाया, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक दो तीन चार पाँच, पांच बार लिया। इसे हमने बंद किया, दो चैन, दो चैन, फिर एक और पफ, एक दो तीन चार पाँच, इसे हमने बंद किया, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे पहला तो डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक और हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। देखिए एक इस तरह से बनाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में फिर हमने एक बनाएंगे। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई। देखिए इस तरह से इसका शेप आ गया, तिरछा हो गया, ये ऐसे हो गया। अब हमें ये नहीं घटाना है, आर्म होल नहीं घटाना है। अब हम यहाँ से गला घटाएंगे, तो इस रो में नहीं घटाएंगे, नेक्स्ट रो में घटाएंगे। देखिए तो इसको यहाँ से पहले पूरा बना लेते हैं, ये रो कंप्लीट कर लेंगे, दूसरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर जब राइट साइड पे आएंगे तब हम इसको हटाएंगे। ये देखिए ये हम यहाँ तक आ गए हैं। अब फिर हमें यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है हमें गला घटाना है, गले की तरफ से अब हम घटाएंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डिक्रीज नहीं करना है। देखिए एक दो, फिर यहाँ पे हम इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन और फिर जैसे हम अपनी डिज़ाइन बनाते हैं एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ से एक दो, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक चैन और यहाँ पे अब हमें घटाना नहीं, डिक्रीज नहीं करना है हमें, इसे इसी तरह से इसे बनाते जाएंगे। देखिए जब गले की तरफ आएंगे तो वहाँ एक डबल क्रोशिया पहले हम इसे, तो अब गला हमें दोनों साइड से घटाना है। जो गला है वो हम राइट और रॉन्ग दोनों साइड से घटाएंगे जो भी है। अब देखिए यहाँ पे तीन है तो एक हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए तो इसको तो हमें नहीं घटाना है, इन दोनों को हमें डिक्रीज करना है। देखिए एक ऐसे बना, फिर ऐसे, ये देखिए इसे हमने डिक्रीज कर दिया। फिर एक हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक चैन। तो अब आपको यही दो लाइनें आपको बार बार रिपीट करनी। देखिए ये पहली लाइन हो गई, तीन चार और ये पांच, ये हमारी पहली लाइन हो गई। दो चैन बनाए, फिर पफ बनाएंगे, दो तीन चार पांच पफ बनाएंगे, एक चैन और यहाँ पे ये तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। फिर यहां से हम टर्न हो जाएंगे। देखिए एक दो, दो चैन डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, सॉरी दो चैन बनाएंगे यहां पे। दो चैन के बाद आपको एक यहां पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चैन, फिर यहां पे एक तो हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर यहां पे ये देखिए जो क्लस्टर बनाया है इसमें एक बनाएंगे इस तरह से, और फिर एक हम यहाँ बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पे भी हमारा एक डिक्रीज हो गया। तो ऐसे हमें दोनों साइड से डिक्रीज करते हुए जाना है आपको, बाकी सिंपल सिंपल है, डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनेगा, सिर्फ गले की साइड आपका दोनों साइड से ये घटता जाएगा। तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं, जितना आपको आर्म होल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तीन डिज़ाइन बनाए, दो डिज़ाइन हम और बनाएंगे, पाँच डिज़ाइन में आर्म होल कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने छह डिज़ाइन बनाई है, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये यहाँ तक हमारा शोल्डर हो गया। यहाँ पे मैंने धागे को कट कर दिया। देखिए
अब हमें यहीं से जोड़ना है। देखिए यहां से हमने इधर बनाना स्टार्ट किया था तो यहीं जोड़ना है। तो ये जिसमें यहां मार्कर हम निकाल देते हैं यहां पे, देखिए इसमें हमने बना रखा है, इसमें हम ऊन अपना जोड़ेंगे। इस तरह से हम ऊन को अपना जोड़ लेते हैं इसमें। ये देखिए ये हमने ऊन को जोड़ दिया है। अब जहां हमने जोड़ा देखिए इसी में हम इस तरह से क्रोशिया को पहले इंसर्ट करेंगे। देखिए एक दो, दो चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसमें आपको गला तो घटाना नहीं है, बैक साइड में आर्म होल बनाना है। तो जैसे ये आर्म होल बना है, दो हमने डबल क्रोशिया इसमें डिक्रीज किया है, वैसे ही हम इसमें दो डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो पहले हमने बना लिया, फिर इसके बाद हम दो चेन बनाएंगे, फिर देखिए एक दो स्किप करेंगे, तीसरे में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर दो स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ऐसे ही सारे डबल क्रोशियों को बनाते आएंगे, यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर में फिर हम एक डिजाइन बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है, यहाँ मार्कर तक आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर हम दो चेन बनाएंगे, एक दो स्किप करेंगे, तीसरे पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर दो स्किप करेंगे, तीसरे और तीसरा ये चौथा यहाँ पे हम इसे बना लेंगे और फिर आपको यहाँ से टर्न हो जाना है। तो इस रो में हम डबल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे, देखिए एक दो, फिर इसमें हम बना लेंगे, फिर एक चेन, इसमें एक दो तीन चार पाँच, इसे हमने बनाया, फिर दो चेन, फिर वापस से पफ बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, इसे हमने पफ बना लिया, फिर एक चेन, फिर देखिए अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया तो हम बना लेंगे, फिर यहाँ पे एक बनाएंगे, फिर एक यहाँ बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आपको बनाना है, यहाँ तक, फिर यहाँ पे फिर हम एक डिक्रीज करेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ देखिए इसमें हम एक बनाएंगे क्लस्टर, एक इसमें लिया, फिर एक हमने इसमें लिया, फिर इसे हम बंद कर देंगे, फिर एक हम इस पे बना देंगे। देखिए हो गया, फिर एक चेन और ये यहाँ पे हम पफ जैसे हम बनाते हैं ऐसे पफ बना लेंगे, दो दो के बाद तीन चार पाँच बना लिया, फिर दो चेन, फिर एक दो तीन चार और ये पाँच, फिर इसे बंद किया, फिर एक चेन, फिर अब यहाँ पे जो हमारे दो हैं इस पे हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया पे हम दो बना लेंगे। फिर अब रॉन्ग साइड से इधर से जैसे हमने बनाया था फर्स्ट रो वैसे बना लेंगे, क्योंकि डिक्रीज नहीं करना है, फिर नेक्स्ट रो में हम इसे डिक्रीज करेंगे। तो इसे बना लेते हैं पूरा। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब फिर इस रो में एक और डिक्रीज करना है हमें। तो देखिए दो चेन बनाया हमने, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर इसमें हम एक पफ बनाएंगे, दो तीन चार पाँच इस तरह से, फिर एक दो, फिर एक चेन। अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से एक डिक्रीज करेंगे, देखिए एक और ये दो, इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। देखिए और फिर इसके बाद बाकी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ पे फिर एक डिक्रीज करेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये तीन बचे हैं, फिर यहाँ पे एक डिक्रीज करना है हमें। तो देखिए इस तरह से एक यहाँ बनाया हमने, फिर एक हम यहाँ बनाएंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे, फिर एक हम यहाँ बना लेंगे इस तरह से। देखिए अब बिल्कुल आपको सॉरी एक चेन बनाइए यहाँ पे। अब आपको इसके बाद कहीं डिक्रीज नहीं करना है, नॉर्मल बनाते जाना, जैसे आप नीचे का स्वेटर बनाते आए हैं। तो तीन चार पाँच, पाँच बन लिया, फिर इसे बंद किया, इस तरह से
अब देखिए जितना जैसे हमने नीचे बनाया वैसे ही अभी से बनाते जाना है, 6 डिजाइन जैसे आपकी ये आर्म होल है ये इतना पूरा आपको बनाना है, इतना इतना पूरा बना लेना है। और जैसे इसे बनाया है वैसे देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ जोड़ा था वैसे हम यहाँ पे ऊन जोड़ के जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया वैसे इसे बना लेंगे। तो इसे हम पूरा बना के बताती हूँ। देखिए ये हमने तीनों पोर्शन बना लिया है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने धागा छोड़ा था थोड़ा सा, इसको आप राइट और रॉन्ग दोनों एक ही है, अगर जिस तरफ आपकी गांठे ज्यादा है उसे आप उल्टा मान लीजिए। इसको हम ऐसे करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको लेना है। और यहाँ पे देखिए ये एक डबल क्रोशिया है, तो इसको आपको इस चैन में इस तरह से सिलना है, फिर इस डबल क्रोशिया को इस डबल क्रोशिया से सिलना है, फिर आप एक चैन पर आ जाएंगे तो चैन को चैन से सिल देना है, फिर पफ स्टिच को पफ स्टिच से, फिर इस तरह से इसको आपको सिलना है ये पूरी रो, इसको आपको सिल लेना है। इसकी सिलाई कर लेंगे और फिर इसकी भी सिलाई कर लेंगे, कंधों को हम ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए ये हमने इसकी सिलाई कर ली, देख सकते हैं आप ये इस तरह से हो गया। अब इसे आपको उल्टा कर लेना है, मतलब सीधा कर लेना है, राइट रॉन्ग साइड से हमने इसकी सिलाई की है। अभी हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा खूबसूरत सा बेबी कार्डिगन तैयार हो गया। अभी हमें इसके आर्म होल की कंगूरे बनाने हैं, और ये जो हमने बनाया है इसको थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कंगूरे बना लेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए जहां हमने स्टार्ट किया था राइट साइड से आपको जोड़ना है, यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लेंगे, जो ऊन है हमारा। आप चाहे तो इसको दूसरे कलर से बना सकते हैं, मैं सेम ही कलर से बना रही हूँ। कंगूरे आप कई तरह से बना सकते हैं, बॉबल स्टिच बना सकते हैं, पफ स्टिच बना सकते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी उसे देख के बना सकते हैं, या फिर जो मैं बनाने जा रही हूँ वो भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, बिना बनाए भी रख सकते हैं। देखिए हमने इसे जहाँ पे जोड़ा है यहाँ बीच में हम इसे इस तरह से चैन लेंगे, फिर एक दो दो चैन और तीन डबल क्रोशिया, देखिए एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया हमने लिया, फिर एक दो तीन छोड़ेंगे, तीन और चार के बीच में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे जहाँ ऐड करेंगे वहाँ एक दो तीन, तीन चैन तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसे एक दो तीन, तीन स्किप करेंगे, तीन और चार के बीच में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे पूरे लेंथ में बना लेंगे। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया, अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे चार डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। अब हम यहाँ बटन पट्टी की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दो तीन, जहां जोड़ा है वही तीन चैन तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, तीन हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए इस एक में बनाया है और दूसरे में, दूसरे को स्किप करेंगे, दो के बीच में जो ज्वाइनिंग लाइन है देखिए ज्वाइनिंग लाइन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे, फिर यहाँ एक दो तीन, फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए एक और दो, दो स्किप करेंगे, दूसरे एक और तीसरे के बीच में जो ज्वाइनिंग लाइन है उसमें हम इसे ऐड कर देंगे ऐसे, देखिए फिर एक दो तीन, तीन चैन, देखिए जब बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ज्वाइनिंग लाइन कहाँ है, दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये है फर्स्ट की ज्वाइनिंग लाइन और ये है सेकंड की ज्वाइनिंग लाइन, तो यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरा करते जाना है, कहीं भी आपको कोई चीज नहीं करना है, पूरा यहां से लेके यहां तक जहां हमने सिलाई की है यहां तक कर लेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है, तो इसे हम यहाँ पे जहां पे हमने जोड़ा है वहीं पे इसे हम सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। अब गले में आपको बनाना है, गले में भी आप बना लेंगे इस तरह से, देखिए एक दो तीन, तीन चैन और फिर इसी में हम एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाया, फिर देखिए एक दो तीन, तीन के बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक दो और ये तीन, तीन, एक दो तीन स्किप किया, तीन चार के बीच में जोड़ दिया। तो ऐसे ही हम इसको बना लेंगे गले को। ये देखिए ये हमने गले पे बना लिया, यहाँ पे देखिए एक दो तीन पे ही हमारा जोड़ आया है,
तो इस जोड़ पे हम पहले इसे सिंगल क्रोशे सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और इसी जोड़ में हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए एक दो और ये तीन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो हमने एक ही चेन पे स्किप किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। एक रो, फर्स्ट रो पर ही हम इसे जोड़ देंगे। फिर इसके बाद एक दो तीन, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए इसे यहाँ पे एक और दो, दूसरे वाले पे हम इसे सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे दूसरी जॉइनिंग पे। तो ऐसे ही हम इसको पूरा यहां तक बना लेंगे। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे यहाँ पे जहां पे स्टार्टिंग है, देखिए जहां हमने स्टार्ट किया है वहां पर ही इसे इस तरह से क्रोशे को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया हम बना के स्लिप स्टिच बना लेंगे। और इस ऊन को आपको यहाँ पे कट कर देना है, थोड़ा बड़ा कट करेंगे देखिए, और इसे हम पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। तो हाइड कैसे करना है, देखिए जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में इस तरह से ले जाना है, इसको इस तरह से खींच लेना है। फिर ये जो डबल क्रोशिया है और बाकी जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो ये देखिए खूबसूरत कंगूरेदार जैकेट तैयार हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल के लिए देखिए जहां पे ये हमने ये जोड़ा इसके बीच में यहाँ पे आपको इस ऊन को ऐड करना है इस तरह से। अब इसके बाद जहां हमने जोड़ा है यहीं पे, देखिए जहां जोड़ा है यहीं पे हम इस तरह से ऊन को लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन, और देखिए इसी में एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए एक और दो, दूसरे वाले जॉइनिंग में हम यहाँ पे जहाँ पे दूसरा वाला जोड़ा है देखिए यहाँ पे इस पे हम इसे सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे। फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए एक और दो, दूसरे वाले पे देखिए एक छोड़ेंगे, इसमें हमने ऐड किया है तो एक ये हो गया, दूसरा ये, इसके ऊपर हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे सेट करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड बना लेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया, और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इसे सिंगल क्रोशे से ऐड करना है, फिर एक स्लिप स्टिच बना के इस ऊन को यहाँ पर हमें कट कर देना है। ऊन को आपको पीछे की तरफ हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से हम जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में ऐसे ले जाएंगे और इसे ऐसे ले लेंगे। और एक्स्ट्रा ऊन को भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया, और इसी तरह से हम सेकेंड साइड का भी बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने दोनों साइड की आर्म होल बना ली है, और ये देखिए खूबसूरत सा कंगूरेदार हाफ स्वेटर कार्डिगन, बेबी कार्डिगन बनके तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे पैचेस भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसे प्लेन रखूंगी। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नया नया क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं, आपको सिर्फ डबल क्रोशिया बनाने आता है, तो आप इस कार्डिगन को अच्छे से बना लेंगे। बच्चों के लिए बनाना हो, अपने लिए बनाना हो, बड़ों के लिए बनाना हो, किसी भी साइज का बनाना हो, तो आप इसे आराम से बना लेंगे। अगर आपको कोई डिजाइन आती है तो आप बीच में एक डिजाइन, जैसे ये डिजाइन मैंने डाली है, वैसे आप बीच बीच में भी डिजाइन डाल के इसको नया लुक दे सकते हैं। तो है ना प्रिटी और इजी, है ना। और अगर ये आपको अच्छा लगा है, मेरे बताने का तरीका समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये कार्डिगन कैसा लगा। और हाँ, अगर आप अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट की फोटो मुझे भेजना चाहते हैं तो उसे आप मेरी शैली फेसबुक पेज या मेरी शैली इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। Thanks for watching. Bye bye.